तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि आज हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ माय लाइफ के चैप्टर 10 की। तो देखो अब चालू करेंगे हम। तो भाई और बहना, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10। अच्छा ठीक है, मोदी जी को आप जाने दो, अब हम बात करेंगे आपसे। तो देखो चैप्टर 10 में क्या होता है कि परकिंस इंस्टीट्यूट में जो हेलन पढ़ती हैं, उसमें परकिंस इंस्टीट्यूट में हेलन पढ़ती हैं, तो इनकी गर्मियों की छुट्टी होती हैं जो हमारे लिए एक वरदान होती हैं। इनकी समर हॉलीडेज जो होती हैं वो चालू हो जाती हैं। तो ये अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपनी फ्रेंड के लिए घर जाती हैं, जिनका नाम था हॉपकिंस। हॉपकिंस के घर जाती हैं ये, तो अब जाती हैं और यहाँ पे छुट्टियाँ बताती हैं। अब इनके नाम तो ऐसे ही होते हैं, हॉपकिन, पंपकिन, फलाना किंग, ढिकाना किंग। तो ऐसा होता है कि इनके घर पहुँचती हैं और ये समुद्र पे घूमने जाती हैं। तो इनकी पहली समुद्र की यात्रा होती है। तो ये जाती हैं यहाँ पे, अपनी ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम या जो नहाने वाने की कॉस्ट्यूम होती है वो पहन लेती हैं और कूद जाती हैं समुद्र में। तो और बहुत खुश होती हैं, मज़े आते हैं उनको, तो बहुत मज़े आ रहे होते हैं। पर इनका मज़ा ज़्यादा देर टिकता नहीं है, इनका पैर जो है एक चट्टान से टकरा जाता है। तो ये जो इनको बहुत पीड़ा हुई होगी ऐसा हम कह रहे हैं, तो इनका पैर जो जो है टकरा जाता है और इनके सर के ऊपर से पानी जाने लगता है। वैसे हम जब पढ़ाई करते हैं क्लास में तो हमारे भी सर के ऊपर से कुछ जाता है, तो इनके सर के ऊपर से पानी जाता है और इनको जो है लहरें एक किनारे फेंक देती हैं। ये हैं अर्लन, और इनको फिर मुसलीवन पकड़ लेती हैं। तो देखिए ऐसा होता है, फिर ये उनसे पूछती हैं कि ये समुद्र में नमक नमक किसने उड़ेल दिया है समुद्र में। अब समुद्र का पानी जो है वो नमकीन होता है, तो उसी के चक्कर में इसने पूछा होगा। तो ये वहाँ पे एक चट्टान होती है, उस पे जाके बैठ जाती हैं समुद्र के किनारे। तो लहरें इनके वो छींटे आते हैं लहरों के, थोड़े थोड़े पानी के इधर से निकल के जाते हैं इनके पैरों से टकरा के, तो इनको मज़े आते हैं कुल मिला के। तो हेलन को समुद्र कुल मिला के अच्छे लगने लगते हैं बहुत। तो मिस लिवन जो होती हैं वो जो समुद्र में एक जो केकड़ा होता है, ऐसा होता है शायद केकड़ा ऐसे कुछ बना दे यार कैसे, तो केकड़ा धूप सेक रहा होता है यहाँ पे समुद्र में। तो जो मिस सुलीवन हैं वो पकड़ लेती हैं केकड़े को। अब केकड़ा कोई पकड़ने की चीज़ है तो काट जाए तो मार ही डालता है। अब देखते हैं अब क्या होगा आगे। तो केकड़े से जो है हेलन मिलती हैं, ये हेलन हाई इनकी आंखें ऐसी हैं, अंधी हैं। तो केकड़े से मिलती हैं ये, तो वो सोचती हैं कि इसने अपने ऊपर अपने घर को उठा रखा है, तो घर को उठा रखा है ये सोचती हैं। तो अब ऐसा होता है कि ये निर्णय लेती हैं कि इनको पालेंगी, इनको अपना पालतू बना लेंगी इसको। अब केकड़ा कोई पालने की चीज़ है, ये हेलन से जाके पूछा रहा है तो सही होगा। तो देखिए अब पालने के डिसाइड करती हैं, तो आगे होगा क्या ये देखने वाली बात हो। तो केकड़े को जो है उठा के अपने हाथ में लेके घर पहुंच जाती हैं अपने। तो यहाँ पे पहुंच जाती हैं, इसको ढो के लाती हैं, ये बहुत भारी होता है शायद, इनको फिर भारी बहुत होता है तो इनको तकलीफ होती है। तो वो उसको केकड़े को जो कुआ है ये, इसे कुआ मान लो यार, तो ये कुआ है उसके पास केकड़े को छोड़ देती हैं। और अगले दिन आके देखती हैं कि यहाँ पे
जो है वो केकड़ा गायब है यहाँ से, यहाँ से केकड़ा गायब हो जाता है। तो उनको पता नहीं होता ये कहाँ गया। फिर उनको थोड़ा समझ में आता है कि जो भी प्राणी होते हैं उनको उनके जो नेचुरल प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट से, उनके जो घर से, उनसे दूर नहीं ले जाना चाहिए। तो उनको ये बात समझ में आती है और उनको वो खुश होती हैं कि शायद वो समुद्र में दोबारा पहुंच गया होगा। देखो ऐसा चैप्टर समाप्त हो चुका है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए भाई, और वरना हम हाँ और घंटा जरूर बजा देना, वरना हम घंटा बजा देंगे बता दे रहे। तो अब ठीक है, नेक्स्ट उसमें मिलेंगे आप, जब तक इंतज़ार करिए और देखते रहिए दीप पाना फल, और लाभ उठाते रहिए।